और बहुत से लोग जैसे 10 में से 4 जन तो मेरे पहचान के निकलते हैं। महबूब भाई देखिए जिस तरह से कल टोरेंट विरोध में जो है धरना प्रदर्शन होने वाला था और उस धरना प्रदर्शन में ये बोला गया था कि टोरेंट में चल के ताला लगाना, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो धरना प्रदर्शन ठप हो गया। इस बारे में आप यहाँ की सत्ताधारी पार्टियों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जिन्होंने ये कहा था कि टोरंटो को जाके ऑफिस में ताला लगाना है, तो बोलने से पहले आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सामने सुनने वाले जो है वो तुम्हारे विरोधी है। जब विरोधी को तुम समझा नहीं सकते हो तो नेता कहलाने का हक भी नहीं होता है। तो बोलने से पहले आप ये सोचे कि हम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं समीर सैयद नजर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा के शैलेश नगर में साई आंगन बिल्डिंग में 30 नंबर में, जहाँ पर जो है आज 6 से 7 घंटा पहले जो है टोरेंट वालों ने एक नया मीटर लिए लगाया है, जिसकी जिस वक्त उन्होंने लगाया था उस वक्त एक रीडिंग थी और उसका फिटिंग करते करते ही उसकी 3 रीडिंग गिर गई। बता दें हम आपको कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि 6 घंटे के अंदर 6 रीडिंग का गिरना मतलब कि मीटर का फास्ट होना है। अभी जिस तरह से एनसीपी के मुमरा कलवा अध्यक्ष शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान, अशरफ पठान शानू, माननीय जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में टोरेंट बंद करो आंदोलन करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से जो है इस टोरेंट आंदोलन को जो है रद्द कर दिया गया। लेकिन क्या मुमरा से टोरेंट जाएगी, ये सवाल जो है जनता के दिल में अभी भी है। इसी विषय पे हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको यहाँ का मीटर भी दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है टोरेंट वालों ने मीटर लगाया है 6 घंटा पहले, और इस मीटर की जो रीडिंग है वो किस तरह से फास्ट भाग रही है। हम आपको अपने विजुअल में भी दिखा सकते हैं कि 30 सेकंड के अंदर 2 रीडिंग की काउंटिंग गिरी हुई है। ये आप हमारे वीडियो में देखिए किस तरह से इस मीटर की रीडिंग भाग रही है। हालांकि यहाँ के लोगों से टोरेंट वाले की बात भी हुई और टोरेंट के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इनको ये भी आश्वासन दिया कि हम आकर के मीटर चेंज कर दें, लेकिन बिल्डिंग वालों ने मना कर दिया कि हमें मीटर चेंज नहीं कराना है। तो क्या टोरेंट की मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी या आगे भी इसका कुछ निवारण निकलेगा? तो हम इसी संदर्भ में यहाँ के जो बिल्डिंग के रहवासी हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या हुआ है और कितने घंटा पहले जो है इन्होंने मीटर लगाया और टोरेंट के बारे में इनकी क्या सोच है। जिस तरह से अभी आपको कहना है कि कुछ 6 घंटे हुए हैं मीटर लगा करके और मीटर की रीडिंग जो है वो हाई लेवल तक जा रही है, भाग रही है, जैसा कि अभी मैंने भी देखा जी कि मुझे जो है आज 5 मिनट भी नहीं हुआ, 5 मिनट में 6% मतलब 6.1 थी तो 6.6 हो गई। इस बारे में आप क्या कंप्लेन करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सत्ताधारी पार्टियां और यहाँ के प्रशासन से? प्रशासन से मेरा ये कहना है कि यूनिट बहुत फास्ट आ रहा है, आपने भी अभी चेक किया भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, ठीक है, और उसके अलावा जब फर्स्ट बिल आया था टोरेंट का तो हम लोग वो बिल लेके लॉकडाउन के बाद जब खुला था तो ऑफिस में गए थे, तो वहाँ डिपार्टमेंट का जो टोरेंट का ऑफिस होल्डर हैं, जो ब्रांच मैनेजर हैं, उन्होंने पर्सनली हम लोगों से क्या ये कहा कि हम लोग लीगल ही आए हुए हैं और आपको जहाँ जाना है जाइए। तो इसका क्या मतलब है? मतलब आप जो मनमानी चाहे वो करेंगे, जैसा यूनिट चार्ज करेंगे करेंगे, आम जनता को जैसे बताइए 5-5 मिनट में 6-6, 7-7 यूनिट बिल गिर जा रहा है तो ये कैसे होगा? इसके पहले भी महावितरण का डिपार्टमेंट था, उसका एडजस्टमेंट था, सही था, जो भाव था पब्लिक बर्दाश्त कर रही थी, भर रही थी, ठीक था। उसके बाद ये जिस तरह आया हुआ है, लोगों के बिल आ रहा है, अभी मेरी ही बिल्डिंग में 30 नंबर पे 4th माले पे किसी एक बंदे का है, सीनियर सिटीजन है, वो बेचारे 4 महीने से बढ़ता है, उनका 3 लाख रुपये कुछ बिल भेजा हुआ है। उसके बाद जब जाते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन मतलब बात करते हैं तो उसके बाद फिर वही सेम बिल आ जाता है। तो जिस तरह आप लोग देखिए ये हम लोग मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बिल आए हुए हैं बाकायदा और मीटर जो लगे हुए हैं बहुत फास्ट चल रहे हैं। सर जिस तरह से अभी एनसीपी पार्टी की तरफ से कल जो है एक आंदोलन भी टोरेंट को लेकर के करने होने वाला था जी, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है रुक गया, तो इनके बारे में क्या कहना? रुक गया है वो तो कह रहे हैं कि हम लोग लीगली आए हुए हैं, तो अब इसमें किसको क्या कहते हैं? लीगल आए हुए हुए तो यहाँ की गवर्नमेंट ने या पार्टी ने या कुछ तो सपोर्ट किया होगा ना, बिना सपोर्ट के वो तो सीधा भगा रहे हैं, ऑफिस से भगा रहे हैं। मैं पर्सनली ही गया हूँ, मुझसे कहा कि आपको जहां जाना हो जाइए, तो इसका क्या मतलब है? ये मीटर के लिए आपने टोरेंट के जो आला अधिकारी या टोरेंट के कस्टमर केयर में आपने बात किया था मीटर को लेके? मीटर को लेके बात की हुई थी, कल धरना भी था, पता नहीं क्या वजह से कैंसिल हुआ ये मीटर को। आपका जो मीटर आपकी बिल्डिंग का मीटर आज मीटर किसी के मतलब टोरेंट अधिकारियों से बात किया? पूरा का पूरा स्टाफ दौड़ रहा है ब्रांच में,
हर ये बात अलग है कि धरने के सहारे से जाते तो शायद कुछ सुनवाई होती। अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग शिकायत लेके हर आदमी जा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। जहाँ तक हमें पता चला है कि आप टोरेंट के अधिकारी से आपने बात किया तो वो मीटर चेंज करने के लिए कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि मीटर फॉल्टी है, इसकी वजह से वो जो मीटर चेंज करने आ रहे हैं। हो सकता है मीटर फॉल्ट के खिलाफ जो है जी जी होना चाहिए, वो सही है। इससे पहले जी 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 तो उससे कुछ बेनिफिट हुआ था आप लोगों को? नहीं नहीं कोई बेनिफिट नहीं, सब बोलने की बात नहीं, वायदे हैं बस। वो बस सीधा साफ इनकार कर रहे हैं कि हम लोग आए लीगल प्रोग्रेस से, लीगल होगा जो होगा वही आपको देना है। कोई इसमें रिक्वेस्ट नहीं ली जा रही है, किसी तरह की कोई हेल्प नहीं की जा रही, ये मनमानी की जा रही है। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आपकी बिल्डिंग में जो बिल बढ़ के आ रही है, मीटर की रीडिंग तेजी से भाग रही है, इस बारे में आपका टोरेंट को लेकर के क्या नजरिया है? पहले तो मैं एकदम उसमें था कि टोरेंट लगाओ कि नहीं लगाओ, फिर जब टोरेंट ही लग रहा है सब जगह तो हम भी बोले भाई टोरेंट बदली कर दो, लगाए आज ही लगाया दोपहर में कुछ 1:20 पे, और अभी 6:30 तक 6-7 रीडिंग गिर चुके हैं। अब कैसा आदमी उसके अंदर ध्यान देगा, रोज जाके तो अंदर जाके देखेगा नहीं। आपके रूम की है वो? हमारा रूम है। क्या करते हैं चाचा आप? मैं सर्विस करता था, अभी लॉकडाउन में सब खाली हो गया, खाली है। अभी रास्ते में छबड़ी की टोरेंट की बिल कितनी आती है? मेरा तो फर्स्ट अभी मीटर लगा है आज, पहला मीटर लगा और 7 रीडिंग गिर चुका है 7 घंटे में, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मैं दिखाया आपको। तो सर ये मीटर को लेके और जो फॉल्टी मीटर है या मीटर तेज भाग रहा है, इसी के लिए आंदोलन होने वाला था जो स्थगित हो गया है, तो आपकी क्या मांग है? जो यहाँ के सत्ताधारी पार्टी है, जो प्रशासन है यहाँ के, उनसे क्या मांग है, क्या मांग है आपकी, क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? क्योंकि मैं अभी तक तो सुनते हुए आया था आगे से कौसा ममरा थाना में कलवा में कि भाई टोरेंट को लेके बहुत वो चीज़ हो रही है, और वहाँ पे जाने वाले को भी लोग टोकन दे के बाहर ही खड़ा कर रहे और उनकी सुनवाई भी नहीं कर रहे। तो मैं तो पहले ही डरा हुआ था, फिर भी मेरे को लगा हुआ है कि भाई ठीक है अभी मीटर है सबके लग रहे तो मेरे भी लगेंगे, मेरे को भी बिल भरना है, मैं भी उसी परिवार साहब से आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल? मैं पहले ही एक्सीडेंट पेशेंट हूँ, मेरे घर में एक आईक्यू पेशेंट है, 21 साल का एक लड़का है, पहले ही इनकम क्लोज है, ज़्यादा बिल तो मैं भर ही नहीं सकता, पहले ही हैंडीकैप है। हम लोग तो परिवार में हम लोग 6 जने हैं, 3 लड़की है, 1 लड़का है, लड़का आईक्यू पेशेंट है 100%, मैं खुद 40% इसके एक्सीडेंट।